दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। कल पहले दिन देश भर की आदिवासी संस्कृति की दिखी झलक। बिहार में नीतीश कुमार आज फिर लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तेजस्वी यादव बनेंगे उप मुख्यमंत्री। भाजपा मना रही है विश्वघात दिवस। रांची टाटा रोड के बुंडू के पास बेकाबू ट्रक ने छात्राओं को रौंदा, चार की मौत। गिरिडीह में खदान में डूबने से दो महिलाओं की मौत। और पूरे झारखंड में मॉनसून सक्रिय, आज और कल कई जगहों पर भारी बारिश के आसार। पिछले दो दिनों से हो रही बारिश से किसानों को जगी उम्मीद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी कुमारी और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के पानीपत में एथनॉल संयंत्र का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोकार्पण करेंगे। यह संयंत्र देश में जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के विभिन्न उपायों के तहत है तथा ऊर्जा क्षेत्र को अधिक सुलभ, सक्षम और कुशल बनाने के प्रधानमंत्री के प्रयासों के अनुरूप है। तो विश्व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरियाणा के पानीपत में दूसरी पीढ़ी के 2G इथेनॉल संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस संयंत्र को राष्ट्र को समर्पित करने का ये कदम देश में जैव ईंधन के उत्पादन एवं उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा सालों से उठाए गए कदमों की एक लंबी श्रृंखला का हिस्सा है। ये कदम ऊर्जा क्षेत्र को अधिक किफायती, सुलभ, कुशल और टिकाऊ बनाने के प्रधानमंत्री के निरंतर प्रयासों के अनुरूप है। इस 2G इथेनॉल संयंत्र का निर्माण इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 900 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से किया गया है और ये पानीपत रिफाइनरी के निकट स्थित है। अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित ये परियोजना सालाना लगभग 3 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करने के लिए सालाना लगभग 2 लाख टन चावल के भूसे, पराली का उपयोग करके भारत के कचरे से धन अर्जित करने के प्रयासों की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगी। फसलों के अवशेषों का अंतिम उपयोग करके किसानों को अतिरिक्त आय प्रदान करने का अवसर दिया जाएगा। ये परियोजना इस संयंत्र के संचालन में शामिल लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी और धान के पुआल को काटने, संभालने, भंडारण आदि के जरिए आपूर्ति श्रृंखला में अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। इस परियोजना में शून्य तरल प्रवाह होगा। चावल के भूसे, पराली को जलाने में कमी के माध्यम से ये परियोजना ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में सालाना लगभग 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के बराबर की कमी लाने में योगदान देगी, जिससे देश की सड़कों से सालाना लगभग 63,000 कारों के हटने के बराबर माना जा रहा है। राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में आयोजित दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव आज संपन्न हो जाएगा। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महोत्सव के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी परिवारों को शादी और श्राद्ध क्रम में सामूहिक भोज के लिए 100 किलो चावल और 10 किलो दाल मुफ्त में राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है ताकि आदिवासियों को शादी या श्राद्ध क्रम के लिए कर्ज नहीं लेना पड़ेगा। डॉक्टर जयपाल सिंह मुंडा जी को विशेष रूप से इस मंच से याद करना चाहूंगा कि जिनके प्रयास से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में हमें विशेष प्रावधान जनजातीय समाज के लिए हो पाया। निश्चित रूप से आज झारखंड के लिए, जहां पर सबसे अधिक जनजातीय समूह वास करते हैं,
उनके लिए यह ऐतिहासिक और गौरव का दिन होगा। ना जाने 20 वर्षों में जनजातीय समूह के विषय में ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं हो पाए, जबकि ये प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले होना चाहिए था। दो दिवसीय जनजातीय महोत्सव के दूसरे दिन आज भी देश के विभिन्न हिस्सों से आए जनजातीय समूहों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं। इनमें मध्य प्रदेश का भील नृत्य, भोगोरिया नृत्य, पद्मश्री मधुर मंसूरी का गायन, खरवार नृत्य सहित झारखंड के अन्य लोक नृत्यों की प्रस्तुति हो रही है। इसके साथ ही फैशन शो भी होगा। फैशन शो में राज्य के युवा जो बड़े शहरों में बड़े फैशन संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं, वे यहां के पारंपरिक वेशभूषा में रैंप पर उतरेंगे। इससे पहले कल प्रसिद्ध गायिका मेघा श्रीराम डाल्टन ने भी अपनी प्रस्तुति दी। दुनिया भर की हर सभ्यता संस्कृति की तरह झारखंड में रहने वाली आदिवासी महिलाओं में सदियों से सजने संवरने की परंपरा रही है। यहां के आभूषण और बांस से बने साजो सामान आजकल नई पीढ़ी में भी खूब पसंद किए जा रहे हैं। महिलाओं की रहन सहन और साज सज्जा में आभूषणों का खास महत्व होता है। जनजातीय समाज में कई तरह के आभूषण प्रचलन में हैं। इन जनजातीय आभूषणों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा इसे संगठित रूप देने की कोशिश भी की गई है और इसे आदिवा ब्रांड के माध्यम से बेचा जा रहा है। खूंटी की यशोदा देवी कहती हैं कि आदिवासी समूह बेल, धातु, पीतल और अन्य प्राकृतिक सामग्रियों से बने विभिन्न प्रकार के आभूषणों को सुशोभित करते हैं। अलग अलग नाम है, जैसे हसली, बाजूबंद, ठेला, हसली, गोंगरी, पछुआ, बाजूबंद, मंदली, अलग अलग नाम है आदिवासी ज्वेलरी के गहनों का। आदिवासी महिलाओं में सजने संवरने की परंपरा के साथ ही अपने घरों में बांस और लकड़ी से बने आकर्षक वस्तुओं से सजाने का भी शौक होता है। राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाली महिलाएं संगठित होकर आजकल इसका निर्माण कर रही हैं। बांस से आजकल हजारों तरह की आकर्षक साज सज्जा की वस्तुएं और घरेलू उपयोग के सामान बनाए जा रहे हैं। से है, वहीं से हम लोग सब महिला मिल के ये सब ट्रे हो गया, जहाज हो गया, घर हो गया, छोटा छोटा फ्लावर स्टैंड हो जाता है, पेन स्टैंड हो गया, अनेक प्रकार की चीज, मैंने घड़ी हो गया, बड़ा जहाज हो गया, छोटा जहाज हो गया, मैंने तीन चार तरह, मैंने हजारों सैकड़ों, मैंने जितना दिमाग में आएगा उतना हम लोग बना सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को इस तरह की वस्तुएं तैयार करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की युवतियों और महिलाओं को रोजगार भी मिल रहा है। ग्रामीण महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनको हम फ्री में सिखाते हैं। जो घर से बाहर नहीं निकल पाती है, छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं और काफी दिक्कतें होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, घर घर जा करके उनको प्रशिक्षण करते हैं, घर में ही सिखाते हैं, या फिर हम लोग का अगर अगल बगल में सेंटर है तो वहाँ पे उनको बुलाते हैं और सिखाते हैं, उसके बाद फिर वो घर में ही काम करती है। झारखंड जनजातीय आभूषणों में हसुली, ठेला, तरपत, पाहुची, मंडली, ठुमका, मटर रोला, सिकरी और कड़ा शामिल है। आभूषण बनाने में कई तरह के पत्थर और मोतियों का भी इस्तेमाल होता है। रांची के मोराबादी में आयोजित जनजातीय महोत्सव में आगंतुकों के खाने पीने का भी खूब इंतजाम है। यहां लगे फूड स्टॉल पर भी लोगों की अच्छी खासी भीड़ दिख रही है। झारखंड जनजातीय महोत्सव में कला संस्कृति की झलक है तो लोकल ट्रेडिशनल स्वाद का खजाना भी। यहां लगे फूड स्टॉल पर लोग चटकारे लेकर झारखंडी व्यंजनों का लुत्फ उठा रहे हैं। अच्छा है और सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, मसाला है, ऐसा नहीं है, और ये मैंने हेल्थ के लिए बहुत ठीक है। यहां मौजूद व्यंजनों में स्वाद का तड़का तो है ही, सेहत का खजाना भी है। इस मौके का फायदा उठा रहे अजय कुमार झा पेशे से डॉक्टर हैं। वे कहते हैं कि इस तरह के भोजन हमारे सेहत के लिए नुकसानदेह तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि कई मायनों में हमें लाभ भी पहुंचाते हैं। ये सब चीज जो देख रहे हैं हम, और मसाला वगैरह का अवॉइड किया जा रहा है,
फैटी चीज़ें अवॉइड किया जा रहा है। आजकल के समय में फैटी लीवर काफ़ी होता है और फैट पी जाता है, जहाँ फास्ट फूड खाइए दिक्कत होता है। ये घर का बना हुआ और अच्छा खाना है, इसमें हेल्थ तो ठीक रहता है, यही कारण है जो इन लोगों का हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। यहाँ लगे अजम एम्बा का स्टॉल ग्राहकों की पहली पसंद है। ग्राहकों को यहाँ भोजन भी बिल्कुल साफ सुथरे परिवेश में परोसा जाता है। भोजन परोसने के लिए पत्ते के दोने भी ये खुद ही तैयार करते हैं। पहले से बुकिंग कर ले रहे हैं हमारा खाना को, क्योंकि अजय मेम्बा का बोर्ड देख के लोगों को अच्छी तरह से पता है कि अजय मेम्बा का यहाँ पे स्टोर लगा है, तो लोगों में उत्सुकता दिख रही है और पहले से बोल रहे हैं कि आप मेरा हमको कूपन दे दीजिए। थोड़ी सी आधुनिक कलेवर में ये ट्रेडिशनल भोजन अब लोगों की जुबां पर चढ़ता जा रहा है। धूल व प्रदूषण से दूर, स्वाद और सेहत से भरपूर भोजन का आनंद आपको भी लेना हो तो पहुंचिए झारखंडी जनजातीय महोत्सव के इस फूड स्टॉल में। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन इस विराम के बाद। जितना संपन्न हम जमीन के अंदर है उतना ही संपन्न हम जमीन के ऊपर भी है। इसकी पहल सबसे पहले करेंगे, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के लिए विशेष रूप से सरकार अलग से पैकेज बना करके उसको सहयोग करने का प्रयास करेगी, यह मैं आपको आश्वस्त करता हूं। जनजातीय महोत्सव के अवसर पर जनजातीय शोध संस्थान मोराबादी में सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। ट्राइबल से संबंधित विभिन्न विषयों पर आयोजित सेमिनार के दूसरे दिन जनजातियों के इतिहास, साहित्य, दर्शन एवं मानव विकास में उनके योगदान विषय पर विद्वानों द्वारा अपने विचार साझा किए जा रहे हैं। It is a question which has emerged within the community and how the Adivasi people has actually tried to understand, make an attempt to understand the origin of our existence, the existential reality as well as the notion. लेखकों का नाम जानते हैं, अगर हम याद करें तो कुछ चुनिंदा लेखकों का नाम आता है, जैसे डॉक्टर जोस बाड़ा का, डॉक्टर वर्जीनियस खाखा का, अनुज लुगुन, जसिंता केरकेट्टा, आलमा ग्रेस बारला, बोधी मुक्का औरत और मेतस पति या आदमी, और एक नुनी शब्द भी प्रयुक्त होता है। मतलब ये नुनी शब्द मैंने देखा छत्तीसगढ़ में हर जगह प्रयुक्त नहीं होता है, जैसे छत्तीसगढ़ी एकेडमिक बैगेज। एथिकली अगर हम देखें तो कहां तक रिसर्च भाषाओं की जननी होना चाहिए, होगी। झारखंड समेत देशभर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोविड के 16,047 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 19,539 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में फिलहाल कोरोना के 1,28,261 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 21 मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 29 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 78 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2,07,08,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। और सेहत की बात में देखते हैं कितना लाभदायक और स्तनपान कराना फायदेमंद है। मां के दूध के कई लाभ हैं, जिससे शिशु को बेहतर पोषण मिलता है और उसका स्वास्थ्य बेहतर बनता है।
स्तनपान कराना केवल शिशु के लिए ही नहीं मां के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। शिशु के जन्म के एक घंटे के अंदर अंदर मां को अपना दूध पिलाना चाहिए, स्तनपान करा देना चाहिए और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो मां को मिलते हैं। अगर वो एक घंटे के अंदर अंदर शुरू कराती है तो जो प्रसव के बाद खून का प्रवाह होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिससे कि उसको खून की कमी नहीं होती है, जिसे हम अनीमिया कहते हैं। साथ के साथ अगर शिशु को 6 महीने तक सिर्फ माँ अपना ही दूध पिलाती है तो उसको स्तन का कैंसर, अंडाशय का कैंसर और गर्भाशय का कैंसर के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। तीसरा बात है कि माँ जो है, जो गर्भावस्था में एक्स्ट्रा फैट, थोड़ी मोटी हो जाती है उसके हाथ पैरों में, साइड में ज्यादा फैट जो आ जाता है, वो फैट जब अगर वो गर्भ बच्चे को दूध पिलाती है तो जल्दी से छट जाता है। और चौथा फायदा है कि नेचुरली अगर माँ के साथ बच्चा रहेगा तो उसका आपस का जुड़ाव भी बहुत अच्छा हो जाएगा। शिशु को स्तनपान कराने से बच्चों के बीच में फासला करने में आसानी होती है। स्तनपान एक ऐसा उपहार है जो केवल एक माँ ही अपने शिशु को दे सकती है। स्तनपान कराने वाली माँ और उनके बच्चों के बीच बेहतर सद्भाव उत्पन्न होता है। घर के लोग उसके रोज के कामों काजों में सहायता करें और माँ को जब भी बच्चे को माँ की जरूरत है, दूध पिलाना है, उसको पूरा सपोर्ट करें और उसको टाइम दें, क्योंकि चिंता से देखा गया है कि दूध निकलना कम हो जाता है। एक हमारा तत्व होता है ऑक्सीटोसिन कहते हैं, और अगर चिंता है काम की या चिंता है कहीं भागने की या चिंता है कुछ और काम करने की तो वो दूध निकलना कम हो जाता है, जिससे कि बच्चे को दूध नहीं मिल पाता है। तो अगर चिंता नहीं रहेगी, उसको सिर्फ बच्चे को देखने का काम दिया जाएगा, साथ में जब बच्चा दूध नहीं पी रहा है वो और काम भी कर सकती है। और इसके लिए फैमिली वालों को सब पर बहुत सहायता की जरूरत है। बहुत जरूरी है कि आप अपने बच्चे को जैसा ही पैदा हो एक घंटे के अंदर अंदर अपना ही दूध पिलाएं, कोई घुटी शहद बाहर का कुछ ना दें, 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध दें और कुछ भी ना दें, पानी भी ना दें, जो कि बच्चे को सारा न्यूट्रिशन वहां से मिलता है, और 6 महीने पे आप ऊपरी खाना शुरू करें। स्तनपान कराने वाले शिशुओं का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और उन्हें रोगग्रस्त होने की संभावना भी कम हो जाती है। अपने शिशु को स्तनपान अवश्य करवाएं। स्तनपान संकल्प है, विकल्प नहीं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्ष पूरे होने पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के सिलागाई से गौरव यात्रा शुरू की। यह यात्रा 14 अगस्त तक जिले के हर प्रखंड में आयोजित की जाएगी। कांग्रेस पार्टी गौरव यात्रा के माध्यम से भावी पीढ़ी को स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग बलिदान से अवगत कराया जाएगा। पूर्वी सिंहभूम जिले के टेलको में दंपति की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने मृतक की नाबालिग बेटी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी बिरसानगर थाना क्षेत्र के ओमनगर स्थित आवास से की गई है। प्रेमी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि नाबालिग को बाल सुधार गृह भेज दिया गया। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भंजत्री ने राज्य स्तरीय सूखा आकलन की टीम से मुलाकात कर सूखा आकलन की वस्तुस्थिति से अवगत कराया। इस दौरान देवघर जिला अंतर्गत सूखे से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी और वस्तुस्थिति की बिंदुवार समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तथा उचित दिशा निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश महिला मोर्चा ने पुलिस पदाधिकारियों को रक्षा सूत्र बांधा। जगन्नाथपुर थाना और धुरवा थाना के थाना प्रभारी के साथ सभी पुलिस पदाधिकारियों को रक्षा सूत्र बांध कर उनके स्वस्थ, यशस्वी एवं दीर्घ जीवन की मंगल कामना की गई। देवघर जिले में आजादी के अमृत महोत्सव पर भाजयुमो ने बाइक से तिरंगा रैली निकाला। रैली स्थानीय वीर कुंवर सिंह चौक से शुरू होकर नगर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए तिवारी चौक तक पहुंची। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ता हाथ में तिरंगा लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर सेनानी अमर रहे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जैसे नारे लगा रहे थे। विश्व आदिवासी दिवस पर केंद्रीय सरना समिति रांची की ओर से अल्बर्ट टीका चौक पर लगभग 10,000 पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष बबलू मुंडा ने कहा कि धरती की रक्षा करना हर एक व्यक्ति का दायित्व है, ताकि स्वयं और उनकी आने वाली पीढ़ी भी स्वच्छ वातावरण में सुखद जीवन जी सके। कोडरमा जिले के झुमरी तिलैया में भगवान आदिनाथ को पालकी में बैठाकर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे केसरिया वस्त्र और श्वेत वस्त्र में शामिल हुए। महिलाओं ने जगह जगह पर रंगोली बनाकर डांडिया नृत्य किया।
पश्चिमी सिंहभूम जिले की उपायुक्त ने राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता अंडर 17 में जीत का परचम लहराने वाले चाईबासा फुटबॉल टीम के सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है। उन्होंने 61वीं अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए टीम को शुभकामनाएं दी। रांची जिले के बुंडू थाना क्षेत्र स्थित रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क पार कर रही छात्राओं को एक ट्रक ने रौंद डाला। कल दोपहर बाद लगभग 3:30 बजे घटी इस घटना में तीन छात्राओं की जहां मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गंभीर रूप से घायल एक छात्रा के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। छात्राओं की मौत से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने रांची टाटा मार्ग को जाम कर दिया, जिससे लगभग 9 घंटे तक रांची टाटा मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। घटना की सूचना मिलने के बाद बुंडू एसडीपीओ अजय कुमार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर जाम को हटाया। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुंडू के पास सड़क दुर्घटना में बच्चियों की मौत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि बच्चियों की मौत की खबर से उनका मन अत्यंत दुखी है। जिला प्रशासन घायल बच्चों को मदद के लिए हर संभव सहायता पहुंचा रहा है। मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि परमात्मा दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान कर शोक संतप्त परिवारों को दुख की विकट घड़ी को सहन करने की शक्ति दे। गिरिडीह जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मंदरडीह गांव में पानी में डूबने से दो महिलाओं की मौत हुई है। बेंगाबाद के पुलिस इंस्पेक्टर कमलेश पासवान ने बताया कि दोनों महिलाएं रिश्ते में सास बहू लगती हैं। ये महिलाएं शाम 4 बजे स्नान करने गई थी, एक डूबने लगी तो दूसरे ने बचाने का प्रयास किया और इस क्रम में दोनों की मौत हो गई। ग्रामीणों ने काफी खोजबीन के बाद बंद पड़े खदान से शव को बरामद किया। साइबर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में जामताड़ा साइबर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के करमाटांड थाना क्षेत्र अंतर्गत सियाटांड गांव से छापेमारी के दौरान साइबर अपराधी में संलिप्त 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि एक अपराधी भागने में सफल रहा। साइबर डीएसपी मंजरूल होदा ने बताया कि साइबर अपराधियों के पास से 12 मोबाइल, 22 सिम कार्ड, 2 एटीएम कार्ड और एक दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। जिसमें 7-4 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। इन लोग बिजली बिल जमा नहीं कर रहे और पावर डिस्कनेक्ट होने के नाम पे लोग ठगी क्या करते हैं। इस संबंध में केस रजिस्टर्ड किया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से तकरीबन 12 मोबाइल, 22 सिम, 2 एटीएम कार्ड और 1 मोटरसाइकिल बरामद हुआ। गिरिडीह जिले के गांवा थाना क्षेत्र से पुलिस ने नौशाद नामक व्यक्ति को फर्जीवाड़ा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि नौशाद ने बांग्लादेश और भारत दोनों का पासपोर्ट बनवा रखा है। वह मूल रूप से गांवा थाना क्षेत्र के चटनियादह गांव का रहने वाला है और वह बांग्लादेश में कुक का काम करता है। आज उसे जेल भेजा जाएगा। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं कितना महत्वपूर्ण है आज का दिन। आज की इस कड़ी में हम देश के पूर्व राष्ट्रपति वाराहगिरी वेंकट गिरी का स्मरण कर रहे हैं, जिनका जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को। उन्होंने श्रमिक वर्ग के हित में साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ काम किया। वो श्रमिक संघ के एकमात्र नेता थे जो देश के राष्ट्रपति बने। आई फील प्राउड एंड ऑनर्ड बाय द सिटीजंस ऑफ दिल्ली टू बी प्रेजेंट हियर ऑन दिस ग्रेट एंड मेमोरेबल ओकेशन, द ईव ऑफ आवर इंडिपेंडेंस डे। This is not the time, if I may say so, for making speeches, but it is the time for action. In the first instance, we should remember the great martyrs, our great leaders, our father of the nation, our ex-prime ministers, who have sacrificed their all for securing independence. बरहमपुर और मद्रास में आरंभिक शिक्षा के बाद गिरी 1913 में डबलिन में प्रतिष्ठित किंग्स इन में शामिल होने गए। आयरलैंड में वे आयरिश प्रतिरोधी आंदोलन के बड़े नेताओं के निकट संपर्क में आए। इनमें 19वीं शताब्दी के मध्य में लंबे समय तक सेवारत रहे वहां के प्रधानमंत्री एमॉन डी वलेरा भी शामिल थे।
गिरी की भेंट महात्मा गांधी से 1914 में हुई जब वे लंदन आए। गिरी एक युवा विद्यार्थी के रूप में उनसे मिलने गए। वापस लौटने पर गिरी ने मद्रास उच्च न्यायालय में पंजीकरण करा लिया, लेकिन 1921 के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। उन्हें पहली बार 1922 में शराब की दुकानों की नीलामी के विरुद्ध धरना देने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर।